How's that? नमस्कार, मैं हूं राजमोहन तिवारी। स्वागत है आप सभी का चक दे क्रिकेट में। रोहित शर्मा यह नाम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पहली बार 20 सितंबर को 2007 टी20 विश्व कप में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले गए मैच में लोगों की नजरों में आया था। उस मैच में रोहित ने 5वें नंबर पर आकर 40 गेंदों में नबाद 50 रनों की पारी खेली थी। अपना पहला अर्धशतक उन्होंने पारी की आखिरी गेंद पर छक्के से पूरा किया था। बहुत कम लोग ही जानते होंगे कि भारत के लिए उन्होंने सबसे पहले डेब्यू 23 जून 2007 को आयरलैंड के खिलाफ एक दिवसीय मैच में किया था। हालांकि उस मैच में उन्हें बल्लेबाजी का मौका नहीं मिला था। 18 जनवरी 2011 इस दिन रोहित शर्मा ने पहली बार एक दिवसीय मैचों में भारत के लिए ओपन करना शुरू किया। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ केपटाउन में खेले गए इस मैच में उनका प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा। वे केवल 23 रन ही बना सके थे। हालांकि भारत ने वह मुकाबला 2 विकेट से जीता था। रोहित के करियर का टर्निंग पॉइंट 2013 में इंग्लैंड का भारतीय दौरा रहा। इस दौरे के पहले एक दिवसीय मैच में रोहित ने मोहाली में 83 रनों की पारी खेली थी। इस पारी के बाद भारतीय क्रिकेट और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में उनका कद ऊंचा ही होता गया और आज हाल यह है कि उनके कदमों के आहट से ही गेंदबाजों के होश उड़े रहते हैं। खड़े खड़े छक्का मारने की उनकी काबिलियत लाजवाब है और उनके इसी काबिलियत के कारण आज उन्हें लोग हिटमैन के नाम से जानते हैं। वैसे तो रोहित के नाम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कई सारे रिकॉर्ड्स हैं जिन्हें तोड़ना दूसरे खिलाड़ियों के लिए आसान नहीं होने वाला, लेकिन हम बात करेंगे रोहित के उन 5 रिकॉर्ड्स की जिन्हें तोड़ना मुश्किल ही नहीं लगभग नामुमकिन है। रोहित के सबसे बड़े रिकॉर्डों में जिसका टूटना लगभग नामुमकिन है उसमें सबसे पहले नंबर पर आता है वनडे क्रिकेट की एक पारी में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड। रोहित शर्मा जिन्हें उनके छक्के लगाने की काबिलियत के कारण सुपर हिट शर्मा के नाम से जाना जाता है, वे वनडे क्रिकेट की एक पारी में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। ये कारनामा उन्होंने 13 नवंबर 2014 को श्रीलंका के खिलाफ कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में किया था। इस मैच में उन्होंने 264 रन बनाए थे। उनका यह रिकॉर्ड टूटना लगभग नामुमकिन है। इस सूची में दूसरे बल्लेबाज न्यूजीलैंड के मार्टिन गुप्टिल हैं जिन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ नबाद 237 रन बनाए थे। दूसरा, भारत के इकलौते ओपनर जिसने ओपनिंग करते हुए क्रिकेट के सभी फॉर्मेट में शतक लगाए हैं। रोहित शर्मा वर्ष 2019 के आखिर में भारत के इकलौते ओपनर बल्लेबाज बने जिसने ओपनिंग करते हुए क्रिकेट के सभी प्रारूप टेस्ट, वनडे और टी20 में शतक जमाया हो। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट मैच में ओपनिंग कर शतक जमाने के साथ यह उपलब्धि हासिल की। तीसरा, एक कैलेंडर वर्ष में क्रिकेट के सभी फॉर्मेट में लगातार 3 वर्ष सर्वाधिक छक्का मारने का रिकॉर्ड। भारत के रोहित शर्मा दुनिया के इकलौते बल्लेबाज बन गए हैं जो पिछले 3 वर्षों से लगातार एक कैलेंडर वर्ष में क्रिकेट के सभी प्रारूपों को जोड़कर सर्वाधिक छक्के लगाते आ रहे हैं। रोहित शर्मा 2017 के कैलेंडर वर्ष में टी20, वनडे और टेस्ट में कुल 65 छक्के लगा उस वर्ष टॉप पर रहे थे। फिर अगले वर्ष 2018 के कैलेंडर वर्ष में टी20, वनडे और टेस्ट में कुल 74 छक्के लगा, फिर से वे टॉप पर रहे। जबकि 2019 में भी टी20 में 22, वनडे में 36 और टेस्ट मैचों में 20 छक्के सहित कुल 78 छक्कों के साथ वे 2019 वर्ष भी टॉप पर रहे। चौथा है वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा दोहरा शतक लगाने का रिकॉर्ड। रोहित शर्मा दुनिया के इकलौते बल्लेबाज हैं जिसने वनडे अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 3 दोहरे शतक लगाए हैं। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि पुरुष वनडे क्रिकेट में 8 बार दोहरा शतक लगा है जिसमें से 3 बार रोहित शर्मा ने लगाया है। आपको बता दें कि अन्य कोई भी बल्लेबाज वनडे में 2 बार भी दोहरा शतक नहीं लगा पाया है और जिस तरह से रोहित खेल रहे हैं पता नहीं कब वो वनडे का 4वां दोहरा शतक भी बना दें। पांचवा है विश्व कप के एक एडिशन में सर्वाधिक शतक बनाने का रिकॉर्ड भी रोहित के नाम। रोहित शर्मा ने पिछले वर्ष इंग्लैंड में हुए एक दिवसीय विश्व कप में एक ऐसा कीर्तिमान स्थापित कर दिया जिसका टूटना थोड़ा मुश्किल दिख रहा है। रोहित शर्मा ने वर्ष 2019 में हुए विश्व कप में 5 शतक जड़े जो किसी भी बल्लेबाज द्वारा एक विश्व कप एडिशन में मारा गया सर्वाधिक शतक है। इसके पहले यह रिकॉर्ड श्रीलंका के कुमार संगकारा के नाम था जिन्होंने 2015 के विश्व कप एडिशन में 4 लगातार शतक लगाए थे। तो ये थी स्टार भारतीय सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा से जुड़ी कुछ अनजान एवं रोचक जानकारियां। क्रिकेट से जुड़े प्रतिदिन की खबरें एवं रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल चक दे क्रिकेट को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही खबरों को तुरंत पाने के लिए बेल आइकन की घंटी भी जरूर दबाएं। धन्यवाद।